दुनिया के 11 ऐसे महंगे फल जिनके बारे में शायद ही आपने कभी पहले सुना होगा, जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, फल खाना किसे नहीं पसंद, खासकर आम। लेकिन क्या हो अगर एक आम की कीमत 3 लाख रुपए हो, क्या तब भी आप आम को खरीद कर खाना चाहेंगे? शायद आपको यकीन नहीं हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। दुनिया में ऐसे एक ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे फल हैं जिनकी कीमत लाखों करोड़ों में है, और इसके बावजूद भी लोग इन फलों को खरीदते हैं। तो दोस्तों, क्या आप इन फलों के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर हाँ तो हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और हाँ, एक और चीज, इस वीडियो में जो लास्ट वाला फल है उसकी कीमत जानकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं। नंबर 11, बुद्धा शेप्ड पियर। दोस्तों, दुनिया में सबसे महंगे फलों की शुरुआत हम बुद्धा शेप्ड पियर से करते हैं। इस फल को सबसे पहले मिस्टर श्याम जांग हाव ने अपने बैकयार्ड में विकसित किया था। इसके लिए उन्होंने एक नए पैदा हुए पियर को जोर लगाकर एक बुद्धा शेप के सांचे में बंद कर दिया। उस वक्त तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में नहीं आ सका, लेकिन ये जनाब इसमें लगे रहे और कई सालों तक की मेहनत के बाद उन्होंने आखिरकार बुद्धा शेप्ड पियर को विकसित कर ही लिया। वैसे बुद्धा शेप्ड पियर को बनाने का आइडिया उन्हें चाइनीज माइथोलॉजी से आया था, जिसके अकॉर्डिंग जो बुद्धा शेप्ड पियर को खाएगा वो अमर हो जाएगा। खैर, जो भी हो, आज के समय में बुद्धा शेप्ड पियर की कीमत $9 यानी कि 700 रुपए है। नंबर 10, सेम्बेकिया चेरी। दोस्तों, जापान में सेम्बेकिया चेरीज को ग्लास हाउस में पैदा किया जाता है, जहाँ पर इनके रंग, आकार और क्वालिटी का खास ख्याल रखा जाता है। और फिर एक बार जब ये चेरीज पककर मीठी हो जाती हैं, तब इन्हें टोक्यो के सबसे प्रीमियम फ्रूट स्टोर में लाकर 40 पीस के प्रीमियम पैक में बेचा जाता है। 40 पीस वाले एक सेम्बेकिया चेरी बॉक्स की कीमत $160 होती है, जो कि लगभग 12,700 रुपए के आसपास होती है। इन चेरीज का इस्तेमाल ज्यादातर जापानीज लोग गिफ्ट देने के लिए करते हैं। नंबर 9, सेकाई एची एप्पल। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एन एप्पल डे कीप्स डॉक्टर अवे। लेकिन क्या हो अगर एक सेब की कीमत 1600 रुपए की हो? मुझे तो लगता है कीमत सुनकर ही लोग बीमार हो जाएंगे। वेल, जापान में मिलने वाली एक सेकाई एची एप्पल की कीमत $21 है, जो लगभग 1600 रुपए है। वैसे इन सेबों की कीमत इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वजन के मामले में ये काफी ज्यादा होते हैं। और शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि एक सेकाई एची एप्पल का वजन 1 से 2 पाउंड के बराबर होता है। नंबर 8, डेकोपोन सिट्रस। दोस्तों, साधारण संतरे के जैसे दिखने वाला डेकोपोन सिट्रस वजन के मामले में साधारण संतरे से 3 गुना आगे होते हैं। ऊपर की तरफ नॉट जैसा डिजाइन बना होने की वजह से इन्हें सुमो सिट्रस के नाम से भी जाना जाता है। ये संतरे अंदर से बिल्कुल मुलायम होते हैं और इनमें बीज भी नहीं पाए जाते। बात अगर स्वाद की करें तो इनमें मिठास ज्यादा और खट्टापन कम होता है। इसके अलावा अपनी यूनिक फ्रेग्रेंस की वजह से ये किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जापान में इन्हें पैदा करने के लिए खास कल्टीवेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्लास हाउस का इस्तेमाल किया जाता है। ये संतरे 6 के पैक में मिलते हैं और एक पैक की कीमत $80 यानी कि 6,000 रुपए के आसपास होती है। नंबर 7, सेम्बेकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज। जापान में गिफ्ट्स बॉक्स में बिकने वाली सेम्बेकिया क्वीन स्ट्रॉबेरीज एक साथ 12 के सेट में आती हैं और इनके एक बॉक्स की कीमत $85 यानी कि 7,000 रुपए होती है। इन स्ट्रॉबेरीज को लग्जरी स्ट्रॉबेरीज इसलिए माना जाता है क्योंकि इन्हें पेन्स टेकिंग कल्टीवेशन मेथड से पैदा किया जाता है, यानी कि स्ट्रॉबेरीज कभी भी मिट्टी को टच ही नहीं करती। ऊपर से इन्हें हैंड पिक किया जाता है, यानी कि बॉक्स में सिर्फ उन्हीं स्ट्रॉबेरीज को रखा जाता है जिनका कलर और शेप दोनों अच्छा हो। नंबर 6, व्हाइट ज्वेल स्ट्रॉबेरी। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। इस कहावत का परफेक्ट एग्जाम्पल है जापान की व्हाइट ज्वेल स्ट्रॉबेरी। दिल के शेप में होने की वजह से इस एक स्ट्रॉबेरी की कीमत $10 यानी कि लगभग 800 रुपए है। वैसे एक व्हाइट ज्वेल स्ट्रॉबेरी साधारण स्ट्रॉबेरी से साइज में 3 गुना ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए आप थोड़ी ज्यादा पैसे खर्च करके कम से कम एक ज्वेल स्ट्रॉबेरी खाने का लुफ्त तो उठा ही सकते हैं। वैसे अगर आपको इसके कलर को देखकर ये लग रहा है कि ये टेस्टलेस होगी,
तो हम बता दें कि बेहतरीन स्वाद और खुशबू के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है। वैसे दर्शकों, अगर आपको यहाँ पर ये लग रहा है कि हम सिर्फ जापानीज़ वालों की ही बात क्यों कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, दरअसल जापान की ज्यादातर चीजें दूसरे देशों से ज्यादा महंगी होती है, इसलिए जापानीज फल भी दूसरे देशों के फलों से काफी महंगे होते हैं। और यही वजह है कि इन्होंने इस लिस्ट में अपनी अलग जगह बना रखी है। नंबर 5, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, अगर आप अपने फ्रिज में गोल तरबूज रखने की परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मिलिए जापान में मिलने वाले स्क्वायर वाटरमेलन से। 1970 के दशक में स्क्वायर वाटरमेलन्स को यही सोचकर विकसित किया गया था कि इन्हें आसानी से स्टॉक किया जा सके। वैसे आपको बता दें, स्वाद में बिल्कुल साधारण से लगने वाले इस वाटरमेलन को विकसित करने के लिए चौकोर कार्डबोर्ड के एक बॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी कीमत काफी बढ़ जाती है। और इसीलिए जापान में एक स्क्वायर वाटरमेलन की कीमत $200 से $800 के आसपास पड़ती है, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 16,000 से 64,000 रुपए के बराबर होती है। अब आप बताइए, क्या आप इतना महंगा तरबूज खाना पसंद करेंगे? नंबर 4, ताइयो नो तमागो मैंगो। दोस्तों, अगर हम ताइयो नो तमागो मैंगो को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, तो इसकी मीनिंग होती है एग ऑफ द सन। ये लाजवाब आम जापान के मियाज़ाकी प्रांत में एक्सक्लूसिवली उगाए जाते हैं। जो चीज इन आमों को दुनिया के सबसे महंगे फलों में शामिल करती है, वो है इसकी मिठास और इनका शानदार रंग। ये आम गहरे पीले, लाल और यहाँ तक कि हल्के बैंगनी रंग के भी होते हैं। और इन आमों का पल इतना ज्यादा मुलायम होता है कि ये मुंह में रखते ही पिघल जाते हैं। और सिर्फ यही नहीं, ये आम तो इतनी ज्यादा मुलायम होते हैं कि आप चाहें तो इसके छिलके को भी बड़ी ही आसानी से खा सकते हैं। बात अगर इनकी प्राइस की करें, तो इस मैंगो के एक पीस की कीमत $50 से $3600 तक होती है, जिसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करने पर 4,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक होती है। इतना ज्यादा महंगा होने के बाद भी आज के समय में ये आम इतना ज्यादा फेमस हो चुका है कि अब इजराइल और भारत में भी लोग इस तरह के आम को विकसित करने में लग गए हैं। और अपने इंडिया के मध्य प्रदेश स्टेट के जबलपुर नाम की सिटी में एक आधुनिक किसान ने तो इसकी खेती भी स्टार्ट कर दी है। नंबर 3, डेंसयोग वाटरमेलन। दोस्तों, डेंसयोग वाटरमेलन ने दुनिया के सबसे महंगे फलों में शामिल होने के साथ साथ दुनिया का सबसे महंगा तरबूज होने का भी खिताब अपने नाम कर लिया है। नॉर्थ जापान में होकाइडो आइलैंड पर काफी कम संख्या में उगाए जाने वाले एक डेंसयोग वाटरमेलन की कीमत $250 से $6,000 तक होती है। इसे अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें, तो एक डेंसयोग तरबूज की कीमत लगभग 20,000 रुपए से लेकर 4,80,000 रुपए के आसपास पड़ती है। बिल्कुल साधारण से दिखने वाले ये तरबूज स्वाद के मामले में यूनिक स्वीट फ्लेवर के साथ आते हैं। इसके अलावा साधारण तरबूजों के कंपैरिजन में इन डेंसयोग तरबूज में बीज भी काफी कम होते हैं। वैसे दोस्तों, इन तरबूजों की सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये अपने ओरिजिन के सर्टिफिकेट के साथ आते हैं, यानी कि अगर आप चाहें तो पूरी दुनिया को इस सर्टिफिकेट के जरिए साबित कर सकते हैं कि आपने दुनिया का सबसे महंगा तरबूज खाया है। नंबर 2, जापानीज रूबी रोमन ग्रेप्स। दोस्तों, क्या आप कभी अंगूर का एक ऐसा गुच्छा खरीदना चाहेंगे जिसकी कीमत 7,000 रुपए से लेकर 35,000 रुपए हो? वेल, जापान में रहने वाले अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। जापान में मिलने वाले जापानीज रूबी रोमन ग्रेप्स के एक गुच्छे के लिए जापानीज $90 से $450 तक खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसे आपको बता दें, इन अंगूर के गुच्छे की इतनी ज्यादा कीमत होने के पीछे ये वजह है कि पूरे जापान में एक साल में जापानीज रूबी रोमन ग्रेप्स के सिर्फ 24,000 गुच्छे हार्वेस्ट किए जाते हैं। और तो और, इन अंगूरों को सिर्फ और सिर्फ इशिकावा प्रांत में ही उगाया जाता है और वहीं इन्हें बेचा भी जाता है। वैसे आपको बता दें कि जापान में इन अंगूरों के प्रति लोगों की ऐसी दीवानगी है कि 2020 में एक इंसान ने इसके एक गुच्छे अंगूर को $12,000 यानी कि लगभग 9,50,000 रुपए में खरीदा था। और दोस्तों, इसी के साथ अब बारी आती है नंबर 1 की, जो है युबारी किंग मेलन। इसे जापानीज लग्जरी फ्रूट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। ये फल जापान में कुछ विशेष फलों की दुकान पर ही मिलते हैं। जापानीज लोग इस फल को स्टेटस सिंबल से जोड़कर देखते हैं।
इसीलिए इसका इस्तेमाल जापानीज लोग गिफ्ट के रूप में भी करते हैं। और यही वजह है कि जापान में रहने वाले अमीर लोग एक यूबेरी किंग मेलन के लिए $200 यानी कि लगभग 16,000 भारतीय रुपए चुकाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर इस फल में ऐसा क्या खास है जो लोग इसे स्टेटस सिंबल मानते हैं, तो आपको बता दें, ये फल पूरे जापान में सिर्फ योबारी शहर में ही खास तरीके से और काफी कम संख्या में उगाया जाता है। अब ऐसे में जो चीज कम होगी उसकी वैल्यू तो ज्यादा होगी। वैसे इस फल के बारे में एक और मजेदार बात ये है कि 2010 में एक बेवरेज कंपनी ने अपने मेलन फ्लेवर्ड मिनरल वाटर की 10वीं एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक जोड़ी यूबारी मेलन को $45,000 यानी कि 35 लाख रुपए में खरीदा था, जो कि अब तक की फलों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्राइस है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगर आपको इनमें से कोई फल मुफ्त में मिले तो आप सबसे पहले किस फल को खाना चाहेंगे, कमेंट में हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं आपसे अपनी अगली शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।